अलग बोल, खेलता भी नहीं। अंकल नीचे देखना, नमस्कार। नीचे नमस्कार अंकल। नमस्कार अंकल। नमस्कार, कैसे हो? और ठीक हो? बढ़िया। हाँ, ये आपका लड़का ना सिगरेट बहुत पीता है, ये बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है। ये इतना सिगरेट पिएगा ना तो इसके फेफड़ों में कैंसर हो जाएगा। अभी इसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसकी शिकायत कर रहा हूँ। बट इसका कमरा देखना, सिगरेट होगा वहाँ पे, और ये कभी कभी तंबाकू भी अभी वीडियो में भी पी रहा था। अच्छा, मैंने जो आपको कहा ना वो इसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए इतना शांत है। ठीक है, मैंने चुपके से शिकायत लगा दी आपको। ठीक है, अब इसको हेडफोन दे दो। थैंक यू अंकल। थैंक यू। बाद में इसकी पिटाई जरूर करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि से है पहला क्वेश्चन अपना गेम एक्स प्रो से। तो भाई तुम्हारा जो चैनल था रावत जी टेक्निकल, उसके बाद तुम्हारा जो गेम एक्स प्रो पे आए, तुम क्या सोच के आए थे? मतलब कि रावत जी पे क्या था, मतलब तुम्हारा पहला जो इंप्रेशन था यूट्यूब को लेके? पैसा पैसा चाहिए था मेरे को। तो गेमएक्स प्रो पे आने के बाद मतलब रावत जी से आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या उस पे जो एक्सपीरियंस था या फिर आपका इंप्रेशन था यूट्यूब के लिए, और फिर गेमएक्स प्रो पे आके कैसा लगा यार तुमको, ये चीज जानना चाह रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया लगा यार मेरे को। ऐसा था, मेरा पहला वाला जो चैनल था ना वो एकदम एक तरह से लगा लो, जब 2018 था ना उस समय फोटो एडिटिंग का बहुत वो था, आई मीन क्रेज। तो मैं और बंदूक बाज ना एक ही उसमें थे, अपन दोनों का एक ही चैनल था। उसके वो बात अलग है, मिलियन था मेरा, 1 लाख वाला था। बट फिर उसके बाद ना क्रेज खत्म हो गया फोटो एडिटिंग का, उसके बाद अपन शिफ्ट हो गए गेमिंग के। तो अब जो है अपन बात करेंगे मृमय से। Finally! तो मृमय, मृमय कहाँ से, मतलब आदान प्रदान हुआ, मुलना मुलाकात हुआ, मुक्का लाते हुई? मुक्का लाते हुई कि मृमय तुम्हारा जो है स्टार्टिंग में मुलाकात कैसी हुई, जो रवि से मुलाकात? यार मिलना बोलना इतना मेरे को याद नहीं है भाई, ये जीगुरु जी की क्लाइन में था ना पहले, इतना मेरे को याद है। उसके बाद नहीं पता मेरे को कब मिला, कैसे मिला, कि ये क्या क्वेश्चन हुआ, इससे कैसे मिला, ये कोई गर्लफ्रेंड मेरी, कैसे मिला, कैसे प्यार आगे बढ़ा है? क्या आप दोनों सिबलिंग्स हो? सिबलिंग्स क्या होता है, मतलब कजन टाइप के? ठीक है, और सेकंड आता है स्पीड एक्स शर्मा की तरफ से। स्पीड एक्स को तो जानते ही हो तुम, नहीं बंदे एक और क्वेश्चन आ रखा है रौनक सरकार की तरफ से कि रवि से मेरी मुलाकात कैसे हुई। रवि थोड़ा एलोबरेट करना चाहोगे इस बात पे? ये मुझे GTA के सर्वर मिला, उसमें मुलाकात की क्या बात है भाई? फिर क्या हुआ था? मैं इसकी कार चुरा के भाग गया, फिर मैंने रवि को टोक दिया, फिर आरपी चूद रहा था मैं। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन आता है प्रांजल देसाई की तरफ से कि हेलो जी एक्सपी, आपने स्टडी छोड़ के यूट्यूब ओपन क्यों करा? आई मीन आपको पहले से गेमर बनना था या फैमिली को पता चला उनका तब क्या रिएक्शन था, मतलब जब फैमिली को पता चला उसके बाद तब क्या रिएक्शन था, या पहले से बनना था गेमर? भाई ये कोई ऐसी तो सरकारी जॉब तो थी नहीं जो फैमिली को पता चला उसके बाद उनका क्या रिएक्शन, वो मेरा पुत्र सरकारी जॉब लग गया, ऐसा नहीं होता यार। हाँ तो वही रिएक्शन क्या था, और मतलब स्टडी वगैरह से रिलेटेड जो पूछा, गेमर पहले से बनना था? स्टडी तो मैंने छोड़ दी थी यार, मेरा इंटरेस्ट था कुछ कोर्स वोर्स करने में कंप्यूटर रिलेटेड, और गेमिंग प्रो क्या वो तो वैसे बस बन के एक दो वीडियो वायरल होने और हाँ घर वालों का कोई रिएक्शन नहीं होता यार, क्योंकि ऐसा यूट्यूब में आदमी एक बार में सक्सेस थोड़ी होता है, उसको कई साल लग जाते भाई। तो इतने सालों तक क्या वो रोज रिएक्शन ही देते रहेंगे, भाई मेरा बेटा यूट्यूबर बन गया, हर घर में यूट्यूबर है भाई, तू मेरे बाजू वाले उसमें जाओ पे हर बंदा यूट्यूबर है, उसमें रिएक्शन की भी बात नहीं है। तो अब थोड़ा पर्सनल जाते हैं, और मैं दोनों से पूछना चाहूंगा कि पर्सनल हॉबीज वगैरह क्या है, लाइक गेम छोड़ के, गेमिंग तो यार है ही रगो रगो में है, कौन बता दो? हाँ बताओ, कैमरे में बता दो, पर किसी को बताना नहीं, वो भी मेरी, मैं नहीं बताऊंगा भाई, वो भी नहीं बताऊंगा मैं, कैमरे में ना, मतलब हॉबीज लाइक रीडिंग वगैरह है, घूमना फिरना है, देखो घूमना फिरना तो मेरे को सन में आता है, राइडिंग भाई राइडिंग, ये देखो ऐसा, अबे फोकस ले ले भाई, बचपन से यही हॉबी थी भाई, मैंने हॉबी के नाम पे यो ले रखा है, इससे मैं प्रैंक कॉल करता हूँ लैंडलाइन। सुन मेरा एक दुश्मन है, उसको कॉल कर जरा। ये करके देख, चलो ये करते हैं। 3-4 उठाते ही गाली देना, ठीक है, उठाते ही गाली देना, अरे मेरा कोई दुश्मन है, गाली देना, मैं बोल रहा हूँ बस, उठते ही गाली देना, बस पहले गाली देना, लाइफ प्रैंक हो रहा है गाइस, पहले ही गाली देना। हेलो, पहले गाली, कौन बोल रहे आप? अबे पहले गाली दे, बेंच, गाली दे, गाली दे, बेंच, दुबई में तेल लेके, अबे यार यो इससे नहीं हो सकता भाई, स्कैम भाई, इसको सब, इसको मैंने कम से कम 10-12 बार प्रैंक कॉल किया है, ये हर बार समझ जाएगा। क्या मतलब एक्टर वगैरह और एक्ट्रेस वगैरह में फेवरेट वगैरह कौन है? एक्ट्रेस, एक्ट्रेस एंड एक्टर दोनों पूछ रहा हूँ मैं, दोनों के कान, लेकिन एक्ट्रेस में खड़े हो रहे हैं। एक्ट्रेस मुझे आर्या स्टार्क, और क्या नाम था, खलीफी,
तो उसका पूरा नाम क्या था? चलो खलीफी समझ लो, लोग समझ जाएंगे। अच्छा और एक्टर में मुझे खलीफी के साथ कौन था यार? पापी काला वाला गेंडा, पापी इनिया वाला, पापी पापी। अरे यार उसका नाम खाल दरोगो। जोड़ी मुझे सही लगती है। तो वो क्या नाम उसका, अरे इसको वो पसंद है यार, वो रेजिडेंट इविल में नहीं थी जो हीरोइन? अच्छा नहीं बॉलीवुड पूछ रहा था मैं तो, तुम लोग तो हॉलीवुड चले गए, पता नहीं और कौन से वुड पे चले गए। अलग बोल खेलता भी नहीं। अंकल नीचे देखना, नमस्कार। नीचे करो, नीचे करो। नमस्कार अंकल। हाँ नमस्कार अंकल। नमस्कार, कैसे हो? और ठीक हूँ। बढ़िया। हाँ बढ़िया। हाँ ये आपका लड़का ना सिगरेट बहुत पीता है, ये बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, ये इतना सिगरेट पिएगा ना तो इसके फेफड़ों में कैंसर हो जाएगा। अभी इसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसकी शिकायत कर रहा हूँ, बट इसका कमरा देखना, सिगरेट होगा वहाँ पे और ये कभी कभी तंबाकू भी खाता है। अभी वीडियो में भी पी रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ बस अभी ना मैंने जो आपको कहा ना वो इसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए इतना शांत है। ठीक है, मैंने चुपके से शिकायत लगा दी आपको। ठीक है, अब इसको हेडफोन दे दो। थैंक यू अंकल। थैंक यू। बाद में इसकी पिटाई जरूर करना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। पिटाई होने वाला है भाई। अरे कुछ नहीं, मैंने बोला यार ये अंकल ये क्या इसकी मूछे, थोड़ा समझाओ इसको कितनी मूछे कर रही है, अच्छा लगता है? बहुत सभ्य हूँ मैं, नहीं करता ये सब भाई, देखा नहीं ये सब का क्या, तुम जो भी बोले हो भाई ये सब खाते हैं अपन बस। ये क्या है, गोटे? चॉकलेटी गोटे, चॉकलेट गोटे बने हुए थे, दिखाना दिखाना क्या गोटे है क्या? सैयद वली पूछते हैं टोटल फैमिली में जो है मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं टोटल फैमिली में तुम दोनों के? पांच। मेरे भाई के? मेरे तो 15-20 हैं, छह तो इसके पापा के ही हैं। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। सो अबे तेरे दांत इतने वाइट, तेरी कमीज से ज्यादा वाइट है। सो गाइज अब अपन वेलकम करते हैं आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, ऑब्वियसली जो जुगल जोड़ी है हमारी मृमय और गेम एक्सप्रो की। यार ये चेंज कर, ये चेंज कर, गेस्ट ऑफ ऑनर जुगल जोड़ी। ओके गाइज तो अब अपन वेलकम करते हैं मृमय और गेम एक्सप्रो मतलब रवि रावत को। सो गाइज आ जाओ। क्या आ जाओ भाई, रिपीट हो रही है तुम्हारे भी से नहीं आएगी। अबे क्या करूं अबे, नहीं आएंगे बैंड ये। कि जितना मेरे को पता है तुम्हारा जो है फर्स्ट चैनल था रवि, नहीं नहीं रावत जी टेक्निकल्स, एम आई राइट? सर आपके दांत बहुत सफेद। ठीक है मैं दांत बंद कर देता हूँ। सर आपके दांत बहुत सफेद लग रहे हैं। ओके ओके सर। हाँ तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं रवि रावत से। तो मुझे जितना पता है आपका पहला चैनल जो था वो है रावत जी टेक्निकल्स। ओके ये सब फनी फॉल्स में डालियो, फनी फेल्स। भाई देखो ज्योतिषी को ऐसे ऑनलाइन वीडियो कॉल में दिखाऊंगा, बोलेगा बेटा थोड़ा इससे होगा क्या फोकस, काम यूज करो, मतलब हाथ का काम कम करो थोड़ा। ओ भाई कीड़ा आ रखी है। अरे कीड़ा आ गया मेरे सर पे। कीड़ा क्या होता है? कीड़ा कीड़ा कीरा क्या? जो सर के बाल है ना उनको तो कर दे, वो जो सलमान खान पागल हो जाता है जब उसके इतने इतने से बाल नहीं होते इतने, फोकस दो बोसड़ी के, इतना महंगा कैमरा फोकस ले अब भाई को वो करो। हाँ अब ले इतना इतना सा इतना इतना इतने से।